तरीके से। ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन लेट अस स्टार्ट M7.4, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक हम समझेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था राइट, इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हाउ मेनी रूट्स यू कैन एज्यूम फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आपको कितने रूट्स मिलेंगे? ओके ये स्टूडेंट्स आई हैव वेरीफाइड राइट, अगर एडवांस में आपके आ रहे हैं ऑल ऑफ दिस वाले तो बस आपको डी ऑल ऑफ दिस ही टिक करना है। ओके नाउ सी हियर, अभी आपको यस इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सो हियर यू आर गेटिंग टू रूट स्टूडेंट्स, इफ स्क्वायर विल गो टू दैट साइड प्लस और माइनस 1 सो इट इज इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1, यू आर गेटिंग टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यस ऑर नो? नाउ सपोज आई एम टेलिंग यू दैट if you are having x cube is equal to 1, then how many roots you are getting here? One only, right? Abhi tak aap sirf yahan pe ek root, right? You are getting only one root, x is equal to 1 or not? Right, only one root. And this root is real. Right? If I tell you, aap sirf yahan pe ek hi root obtain karte the, right? Ek real root hai, but iske alawa bhi do roots aur possible hain. Now you will ask me how. Let me show you how. So if x cube is equal to 1, if plus 1 will come to left side, it will be x cube minus 1 equal to 0. So x cube minus 1 is equal to 0. So therefore, x minus 1, x square plus x प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके राइट। नाउ रूट्स ऑफ एक्स माइनस वन, दैट्स राइट, सो योर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू वन। Now can you solve this quadratic equation? क्या आप इसके roots निकाल सकते हो? One के ऐसे factor निकालो कि जिसके दो factor one हो, is it possible? No. तो फिर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो? Yes, yes. Discriminant v square minus 4ac, 1 square minus 4 1 into 1, 1 minus 4 minus 3. Discriminant is minus 3, so root d is root 3 i. Minus का आपका आ जाएगा i. So its roots will be x is equal to minus b plus or minus root delta by 2a minus b. So minus 1 plus or minus root 3i divided by 2 ones are 2. So x is equal to minus 1 plus or minus root 3i by 2. Isn't it? So x cube is equal to 1 ke ab kitne roots hain? 3 roots or not? Okay. So if I say here, so now equation x cube is equal to 1. Has 3 roots. Right. Now I can say that equation x cube equal to 1 has 3 roots. 1 root is real, x is equal to 1. 2 roots are complex. Minus 1 plus root 3i by 2. And third is minus 1 minus root 3i by 2. Okay, 1 minus 1 plus root 3i by 2 minus 1 minus root 3i by 2, or is it all thoda acche se likhe hain, so this is your minus half plus root 3 by 2i minus half minus root 3 by 2i, and this are known as cube roots of unity, jo hamara ye topic ka naam hai. Okay, these are your cube roots of unity. Okay, ab hum iska pura detail analysis karenge, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, इनका डिटेल रिलेशन एंड एवरीथिंग। सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, देयर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 1 इज 1, अनदर इज माइनस हाफ प्लस रूट 3 आई बाई 2, एंड थर्ड इज माइनस हाफ माइनस रूट 3 आई बाई 2। ओके अब इन सब के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम अच्छे से देखेंगे समझना। ओके
नाउ इफ यू ऑब्जर्व माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई, इसका एग्जैक्टली प्रॉपर नेम है ओमेगा. ओमेगा इज रिफर्ड एज माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई, राइट? दिस इज योर ओमेगा. फिजिक्स में पढ़े ये ओमेगा, राइट? दिस सिंबल फिजिक्स में ओमेगा पढ़े होगे. हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर. ओके, रेजिस्टेंस, हाँ, ओम. ओके, नॉट येट होगा. ओके, सो उसमें आप पढ़ोगे, राइट? या शायद टेंथ में ये सिंबल तो पढ़ा होगा, ओम का, राइट? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. तो दिस इज योर कैपिटल ओमेगा, राइट? दिस इज योर कैपिटल ओमेगा एंड दिस इज योर स्मॉल ओमेगा, जो डब्ल्यू जैसा दिखता है, ग्रीक सिंबल. ओके, सो दिस इज योर कैपिटल ओमेगा एंड दिस इज योर स्मॉल ओमेगा, तो वो उसमें कंफ्यूज ना हो. ओके, एंड दिस इज स्मॉल ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई. चलो, अब अगर मैं ये ओमेगा का स्क्वायर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी. लेट अस सी दैट. ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, पहले कॉमन निकाल देता हूँ तो मुझे करने में आसानी होगी. माइनस हाफ कॉमन निकाल देता हूँ, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा वन बाई फोर, वन प्लस रूट थ्री आई होल स्क्वायर हो जाएगा. इट इज इक्वल टू वन बाई फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके, आई स्क्वायर इज माइनस वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू, वन बाई फोर माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आई. वन बाई फोर इधर दे देंगे तो टू बाई फोर विल गिव यू माइनस हाफ, प्लस टू बाई फोर विल गिव यू रूट थ्री बाई टू आई. माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू आई, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर. Omega square is equal to minus half plus root 3 by 2 i. Right, ये है आपका minus half plus root 3 by 2 i, समझो. Minus half minus root 3 by 2 i को मैंने omega लिया, तो minus half plus root 3 by 2 i मुझे मिल गया omega square. This is your another cube root of unity or not? Tell me, students. Are you getting my point? Right, vice versa. Yes, and omega square is conjugate of omega. Right. हम बोलो ना, हम पूरा एनालिसिस करेंगे उसका. Omega square is conjugate of omega. Even आप omega square को conjugate करोगे तो again you will get omega. Okay, वो तो conjugate की property हो गई. Even अगर आप इसका वापस square करोगे, अगर आप इसका वापस square करोगे, omega square whole square, so you will get omega. Right, because this is omega 4. Okay. So this is omega cube into omega. Omega cube आपका one हो जाएगा, one into omega. हाँ, yes, Jitendra, we can substitute omega square. Don't worry, वो भी हम देखेंगे. पहले इतनी चीजें clear हुई, right? मतलब आपके जो cube roots of unity हैं, moral of the story, वो उसको मैं ये बोल सकता हूँ, अगर एक आपका one है, right? इन दोनों में से किसी भी एक को omega नाम दे दो. मैंने इसको omega नाम दिया, दोनों जहां पे minus है, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया. अगर मैं इसको ओमेगा नाम दूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर. कैन आई से दिस? राइट, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर वन कॉमा ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट्स ऑल प्रॉपर्टीज जो हमें यहाँ पे कॉन्जुगेट और वो सारी चीजें देखी, राइट? यस, दे आर इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी. प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फर्स्ट एवर प्रॉपर्टी. नाउ टेल मी हियर, इफ आई एड ऑल ऑफ देम, 1 plus omega square, it is 0 or not? Right, just add. Right. 1, omega मैंने किसको लिया था? Minus half minus root 3 by 2 i. Omega square आपका हो गया minus half plus root 3 by 2 i. So first minus root 3 by 2 i plus root 3 by 2 cancel. Minus half minus 1. Minus 1 plus 1 cancel. You will get 0. Is it clear? Okay, so 1 plus omega square equal to 0. This is your property of
फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. नेक्स्ट कॉन्जुगेट. इफ यू टेक कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर. इफ यू विल टेक कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर यू विल गेट ओमेगा, जो अभी हमने देख लिया था यहाँ पे. इमेजिनरी पार्ट एक में माइनस एक में प्लस है. इज इट क्लियर? इफ यू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा एंड मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. क्या? ओके वेट, स्नेहा इज टेलिंग दैट माय वॉइस हैज बिकम वेरी लो. इज इट सो? वॉइस लो हो गया है, वॉल्यूम इज वेरी लो. ओके स्नेहा, बाकी के स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इट इज क्लियरली ऑडिबल एंड लाउड एंड क्लियर. ओके, क्योंकि आई थिंक नेट भी उसी स्पीड से आ रहा है और मैं भी सेम फ्रीक्वेंसी से ही बोल रहा हूँ. हाँ यस, यू कैन डू दैट, एक बार वो ट्राई करके देखो. चलो मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा क्या होगा, टेल मी स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड मॉड ऑफ ओमेगा फ्रॉम हियर? इफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई, सो मॉड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट हाफ स्क्वायर वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर, सो अंडर रूट फोर बाई फोर विल गिव यू वन, रूट वन इज वन, सो मॉड ओमेगा इज वन. इन द सेम वे मॉड ओमेगा स्क्वायर भी वन होगा, कॉन्जुगेट का और आपके नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड सेम होता है. सो मोड ओमेगा इक्वल टू मोड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन. ओके नाउ वन मोर थिंग, सिंस ओमेगा इज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, राइट? ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. हाँ यस यस ओवेश, वो पूरा हम देखेंगे. सो ओमेगा क्यूब आपका वन होगा, राइट? सिंस ओमेगा इज योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, right, omega is nothing but your cube root of unity, right? One of your cube root of unity. Okay, great Sneha. So omega cube aapka 1 ho jayega, right? Omega cube is equal to 1 or not? Tell me. If omega cube is 1, right? Can I divide further it into omega square? Right, understand this. Can I write like this? Omega into omega square is equal to 1. If omega into omega square is equal to 1, can I write like this? Omega is equal to 1 upon omega square and omega square is equal to 1 upon omega. Right. If I make omega square as subject, it is 1 upon omega. If I take omega as subject, it is 1 upon omega square. Right. Can I write like this? Students, tell me. Omega is equal to 1 upon omega square and omega square is equal to 1 upon omega. Okay. Now next. Now let us try to plot this 1 omega and omega square in complex plane. Okay. Or argon plane, I can say. चलो तो आर्गन प्लेन पे मैं उन दोनों तीनों को डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूं, समझना. सो दिस इज योर रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज ओरिजिन. ओके सिंस आपके सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूल वन यूनिट है, राइट? वन का यूनिट भी वन है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूल मोड भी वन यूनिट है. तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि वो तीनों आपके एक सर्कल पे होंगे और आई कैन से यूनिट सर्कल पे होंगे, राइट? योर फर्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज 1,0, चेक. तो सेकंड क्यूब रूट ऑफ यूनिट इज हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट एज माइनस हाफ, तो एक्स आपका यहाँ पे माइनस हाफ होगा. y कोऑर्डिनेट आपका होगा प्लस रूट थ्री बाई टू आई माइनस रूट थ्री बाई टू आई. ओके, इफ आई पुट प्लस रूट थ्री बाई टू आई, डेफिनेटली इट शुड लाई ऑन दिस यूनिट सर्कल, दिस इज योर रूट थ्री बाई टू. सो दिस पॉइंट इज माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई. ओके, एक्जैक्टली दिस पॉइंट इज 1 प्लस 0 आई. ओके, हियर दिस इज योर माइनस हाफ. Okay, this is minus root 3 by 2. So this is minus half
माइनस रूट थ्री बाई टू आई. इफ दिस इज, दिस इज माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू आई, सॉरी. इफ यू टेक दिस एज ओमेगा, दिस विल बी योर ओमेगा स्क्वायर, राइट? आप किसी भी एक को ओमेगा और किसको भी ओमेगा स्क्वायर बता सकते हो. सो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट जेड ऑल रूट्स? दिस इज योर फर्स्ट रूट, सी, दिस इज योर फर्स्ट रूट, ओके, दैट इज योर वन. दिस इज योर सेकंड रूट, राइट, और थर्ड रूट ओमेगा स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज योर अनदर रूट. सो कैन आई राइट लाइक दिस? दिस इज वन, दिस इज ओमेगा, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर. तीनों रूट्स आपके सर्कल पे, यूनिट सर्कल पे इस तरीके से हैं, लाइक योर फैन, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट? तीनों इक्वी एंगल्स पे हैं, ओके, जैसा कि आपका फैन होता है, isn't it? Wings of your fan. Okay, Karishma. Karishma, आप एक काम कर सकते हो, जस्ट आप, हाँ, yes, always is telling Mercedes symbol, हाँ, वो आपको जल्दी याद रहेगा, right? I think, like this. Okay, yes, Mercedes symbol. And Karishma, just mark this interval point. Okay, मतलब ये भी का time interval वो कर दो. And this time interval, ये time interval आप recording से देख लेना, right? Above वाली properties, right? Properties of above. Is that clear? Okay. Next. So नेक्स्ट, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल बिटवीन ऑल ऑफ देम इज व्हाट, 120 डिग्री, ओके. तो अब यहां से मैं आपकी प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, एंगल बिटवीन ऑल ऑफ देम इज 120 डिग्री, राइट? सो इफ आई रिप्रेजेंट देम इन एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट, वन तो वन ही है, राइट, पोलर फॉर्म नहीं, डायरेक्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में हम लिखेंगे, यूलर्स फॉर्म. सो ओमेगा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ओमेगा कैन बी रिटन एज आर e टू द पावर आई थीटा. हियर योर आर इज वन, e टू द पावर आई, व्हाट इज थीटा हियर, टू पाई बाई थ्री और नॉट? e टू द पावर आई टू पाई बाई थ्री, स्टूडेंट्स टेल मी, कैन आई राइट लाइक दिस? सिमिलरली can I write omega square is equal to r is 1 e to the power I minus 2 pi by 3, right, minus 2 pi by 3, okay, e to the power minus I 2 pi by 3. Ab jab hum argument find karte hain, students, right, whenever we are finding argument, so for argument our limit is between minus pi to pi, right, if you remember this, where your minus pi is a closed interval and pi is open, minus pi is open interval and pi is closed interval, isn't it? Open interval minus pi to closed interval pi. But मैंने आपको समझाया था, जो ये यूलर फॉर्म है वो यूलर थियरम पे है. E to the power I theta is cos theta plus I sin theta. So it is applicable for each and every theta. उसके लिए ऐसा नहीं कि वो minus pi से pi के बीच में हो. So even you can write this theta from here as well. तो ये आपका exactly होगा pi plus pi by 3, which is 4 pi by 3. So you can write this like as e to the power I 4 pi by 3 as well. Right. There is nothing wrong in this. E to the power I times 4 pi by 3 भी आप लिख सकते हैं, no issue. Okay? Is it clear? Students, right, वो तब भी मैंने आपको बोला था. Next, अब जबकि आपको यहाँ पे ये पता चला है, yes, e to the power 2n pi, pi by 3, चलो ये 4th, 5th. Okay. तो 2n pi, बट ओवेश उसमें वो भी देखना पड़ेगा ना, n आपका 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे आपका 3-3 कैंसिल हो जाएगा, ओके. सो यस, इवन वो हमें उसके पूरे एक पर्टिकुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. नाउ लेट अस आइडेंटिफाई दैट पैटर्न. सो स्टूडेंट्स, ये आपको पता चल गया कि दिस इज 1, ओके, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. After that, if I am finding omega cube will always give me 1. Omega to the power 4 will give me omega cube into omega. Omega cube is 1, so it will give me omega.
ओमेगा टू द पावर 5 विल गिव मी ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा क्यूब इज 1, सो 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर इट विल गिव मी ओमेगा स्क्वायर. राइट, सो ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 4 एंड ओमेगा टू द पावर 5 आई विल अगेन गेट एज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. राइट, ये क्लियर हुआ? जैसे हम आई की पावर देख रहे थे, जब पहली बार हमने आई को देखा था, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मीन्स राइट, जब पहली बार हमने आई को देखा था तो आई की सारी पावर्स हम देख रहे थे, isn't it? I to the I square, I cube, so I square minus 1, I cube minus I, I to the power 4, 1, like that. Okay, yes. जैसे वो हर फोर्थ पावर पे रिपीट हो रहा था. In the same way, यहाँ पे 1 omega, omega square, omega cube, omega to the power 4, power 4, omega to the power 5, omega to the power 6, omega to the power 7, omega to the power 8. Tell me, इसका आंसर क्या आएगा? क्या ये 1 omega और omega square हो जाएगा? Right, ये हर बार हर 3 powers पे repeat होगा? Yes or no? Right, same. So, जैसे I को हमने generalize कर दिया था, वैसे इसको भी generalize कर देते हैं. So, right, let us generalize this. So, omega to the power 3n. Okay. अगर वो 3 का multiple है, तो omega to the power, if it is multiple of 3, then your answer should be 1. If it is multiple of 3 plus 1 extra, मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हो और 1 रिमाइंडर मिल रहा है, right? Here your reminder is 1, here your reminder is 1, so your answer should be omega. And अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो उसकी पावर को और आपको रिमाइंडर मिल रहा है 2, so it should be omega square. Okay, so this is your 1 omega and omega square. Is it clear? Right. So this was all about your cube roots of unity. यहाँ पे हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जितना टॉपिक है वो पूरा खत्म होता है. हम अब इसमें थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, दैट इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी. बट nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे जाने से पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूरा क्लियर होना चाहिए. इफ इट इज क्लियर, फिर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे जा सकते हैं. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो दिस इज M7.4. आज हम M7.4 शुरू कर रहे हैं. तो जैसा कि मैंने आपको बोला, गूगल क्लासरूम में मैं आपका असाइनमेंट बना दूंगा M7.3, जिसकी ड्यू डेट होगी ट्यूसडे की. ओके, वहां पे आपको सबमिट कर देना है. ओके, फिर M7.4 ना, और वी कैन डू वन थिंग, राइट? जब नया शुरू होगा, व्हेन आई स्टार्ट M7.4, उसी टाइम पे पुराना बना दूंगा मैं M7.3, वो टाइम पे आप सबमिट कर सकते हो. तो जिसका भले पहले हो गया हो या बाद में हो गया हो, सब एक साथ सबमिट करेंगे तो वो बेटर रहेगा. ओके, नाउ सो लेट अस सी नाउ nth रूट्स ऑफ यूनिटी. यस यस उवेश, ओके. Wait, Samarth. Here n, where here n belongs to natural number, right? Yeah. Okay. Nth roots of unity. क्योंकि आप उसे divide कर रहे हो, right? उसे आप 3 से divide करोगे. Or you can take integer as well. No issue. तो जैसा आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखा, राइट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या था? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के रूट्स. रूट्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आर कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. इन द सेम वे रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 विल गिव यू nth रूट्स ऑफ यूनिटी. राइट, वो आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी देंगे. ओके, चलो अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हो समझना. So, x to the power n is equal to 1, right? क्या 1 को आप यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? टेल मी, अगर 1 को आपको यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 lies here. 1 is equal to cos 0 plus I sin 0. Right? So, 1 is equal to e to the power I into 0. Okay. But, जैसा कि मैंने बोला, यूलर्स थ्योरम हर एक एंगल के लिए एप्लीकेबल है. यहाँ पे थीटा आपका क्या होगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एवरी इवन मल्टीपल ऑफ पाई और नॉट? क्या यहाँ के थीटा को मैं 2 के पाई लिख सकता हूँ, वेयर के बिलोंग्स टू जेड? ओके, या फिर अभी के लिए मैं सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं के बिलोंग्स टू डब्ल्यू ले लेता हूँ, कि 0 से लेके मैं बस सारे पॉजिटिव टर्म्स ले रहा हूँ.
right? So 1 is equal to e to the power I 0. I can write 1 is equal to e to the power I into 2k pi, where k is your whole number. Can I write like this? No. So if x to the power n is equal to 1, 1 is equal to e to the power I into 2k pi, where k belongs to whole number. If n will go to left side, it will become e to the power I times 2k pi by n. Right. 2k pi by n ho jayega. Again, if I represent this Euler form into polar form, right? So cos 2k pi by n plus I sine 2k pi by n, because Euler's theorem. Okay. E to the power I theta equal to cos theta plus I sine theta, where k is equal to 0, 1, 2, 3, up to. Right. आप उससे बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो, ओके। बट नाउ टेल मी, जब आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करोगे तो वो कितने मिलने चाहिए? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको कितने मिले? 3, ओके। nth रूट्स ऑफ यूनिटी आपको कितने मिलने चाहिए? n, राइट। सो टू गेट nth रूट्स ऑफ यूनिटी एज n, हम k की वैल्यू को लिमिट कर देंगे n माइनस 1 तक। Okay, I will take values of k till n minus 1, because 1 to n minus 1 is n minus 1 numbers, are n minus 1 numbers plus 1. So these are total your n numbers. Okay, so this will give you n roots. K ki har ek value aapko ek root degi. Okay. Yes, yes, Ovish. Okay. Phir hum iske bhi sare properties dekhenge, but pehle ye clear hona chahiye. Okay. या वही चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इधर आप उसे इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, राइट। अगर मैं k की सारी वैल्यू रख रहा हूँ तो k की आप पहली वैल्यू रखोगे e टू द पावर 0 तो वो आपको 1 मिलेगा, k की वैल्यू 1 रखोगे तो e टू द पावर i 2 पाई बाय n, 2 रखोगे तो e टू द पावर i 4 पाई बाय n, इस तरीके से चलता जाएगा एंड लास्ट वैल्यू आपको मिलेगी e टू द पावर i 2 टाइम्स n माइनस 1 पाई बाय n, तो ये टोटल आपको n रूट्स मिलेंगे। हाँ, यस करिश्मा, आई विल रिपीट डेफिनेटली। Right. X is equal to e to the power I 2k pi by n. Right. उसको मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एंड जो फाइनल आपको अच्छे से याद रखना है दैट इज दिस। मैक्सिमम टाइम हम ये यूज करेंगे दिस। ओके। ओके, हाँ, नाउ एक बार मैं वापस इसके nth रूट्स ऑफ यूनिटी रिपीट कर रहा हूँ। फिर जैसे हमने क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी देखी वैसे ही हम nth रूट्स की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ओके, सो सी हियर, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ इक्वेशन x टू द पावर n इक्वल टू 1 आर कॉल्ड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर उसके मुझे रूट्स निकालने हैं तो जैसे क्यूब रूट्स में हम डायरेक्टली उसके उसमें फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं x क्यूब माइनस 1, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। सो बेटर कि हम इसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो हियर x टू द पावर n इज इक्वल टू 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर i 2k पाई, राइट। 1 इज इक्वल टू e टू द पावर i इनटू 2k पाई, e टू द पावर i इनटू 2k पाई। सो x इज इक्वल टू e टू द पावर i 2k पाई बाय n, ये टू द पावर n है उधर आ जाएगा तो डिवाइड बाय n। सो x इज इक्वल टू cos 2k पाई बाय n प्लस i टाइम्स sin 2k पाई बाय n, where k is equal to 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. These are your n different roots. Okay, k ki value hum bahut sari rakh sakte hain, positive bhi rakh sakte hain, negative bhi rakh sakte hain, but hum usko positive bhi rakh rahe hain aur n minus 1 tak limit kar rahe hain. Why? Because we want n roots. Kyunki x to the power n hai, to definitely it should have n roots. Bas fir usko hum jaise k ki value alag alag rakh ke maine dikhaya, if for k equal to 0 you will get 1, k equal to 1 you will get 2, for 2 you will get 4, and for n minus 1 you will get 2 to the power n minus 1. Is it clear now? Okay, ab uski properties dekhen, right? So let us see
properties of nth root of unity. Now, चलो वो सारी प्रॉपर्टीज देखने से पहले समझना, अगर आपका जो फर्स्ट रूट है इसे मैं जेड नाम दे रहा हूं, इफ इट इज जेड, ओके, सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट रूट, इजंट इट जेड स्क्वायर, क्योंकि वो टू के साथ टू मल्टीप्लाई करो तो फोर हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या होगा, ई टू द पावर आई सिक्स पाई बाई एन, सो इजंट इट जेड क्यूब, और isn't it z to the power n minus 1, क्योंकि 2 के साथ n minus 1 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके, सो ये आपके n nth roots of unity, अगर मैं इसे z के फॉर्म में लिख रहा हूँ, so you'll get 1 z z square z cube up to z to the power n minus 1, which is same as your cube roots of unity, right? 1 omega omega square, cube root था इसलिए वो omega square तक गया, fourth root होगा तो cube तक जाएगा, right? 1 z z square z cube, क्योंकि चार roots मिलेंगे. Nth root है तो 1z z square z cube z to the power n minus 1. Okay, and again you can observe these are your GP. Right, वहाँ पे भी geometric progression, here also geometric progression. Now, जैसे आप वहाँ पे sum करते थे, right, sum of your cube roots of unity was 0. In the same way, यहाँ पे भी जब आप सबका sum करोगे, 1 plus z square plus z cube up to power z to the power n minus 1, you will get also here 0. Right, sum of nth roots of unity is 0. सेकंड प्रॉपर्टी, जैसे आपको आपने वहां पे देखा था ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो अगर z आपका nth root of unity है उसके पावर n करोगे तो यू विल गेट 1, z टू द पावर n इज इक्वल टू 1, ओके. फिर एक और चीज जो आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखी थी, मॉड्यूलस, किसका भी मॉड्यूलस फाइंड करो, मॉड्यूलस ओमेगा स्क्वायर, राइट, ऑल मॉड्यूलस ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, इन द सेम वे हियर मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर up to modulus of z to the power n minus 1, it is also equal to 1. Right. Same properties of cube roots of unity. Okay. Now, ab yahan pe agar aap identify karo, to jo aapke cube roots of unity hain, right, usko agar main argon plane mein represent kar raha hu, jaise wo cube roots of unity tha, ab main nth roots of unity ko represent kar raha hu, okay. So if I'm taking nth roots of unity, okay, so you can observe here z ko humne kaise define kiya tha, right, aapke sare nth roots of unity are e to the power i 2k pi by n, okay, ya sirf aap sirf z dekho to i 2 pi by n, to wo aapke pure unit circle ko n equal parts mein divide kar rahi hai, right, definitely your first root is 1, right, so suppose this is your second one, third, fourth, fifth, अगर आपके fifth roots of unity हैं तो, are you getting my point? मतलब पांच equal parts में divide करेंगे तो आपका angle हो जाएगा, each angle between them is 2 pi by n, right? पूरे 360 को आप 360 से by n कर रहे हो, right? 2 pi by n, so the angle between them is same, 2 pi by n, अब यहाँ figure में थोड़ा आगे पीछे like that, so are you getting my point? नहीं, ये one आपका fix होगा, यहाँ से आपका पूरा उस तरीके से आपका डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके, लाइक दैट, सो योर फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट ओनली दैट ऑन आर्गन प्लेन एंथ रूट्स ऑफ यूनिटी डिवाइड द यूनिट सर्कल इन एन इक्वल पार्ट्स,
in Argon plane nth roots of unity divides circle or unit circle in n equal parts. That is, these roots are the vertices of a regular polygon inscribed in a unit circle with origin at its center. जब आप इसे इन सबको कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट अ रेगुलर पॉलीगॉन, राइट, जिनकी सारी साइड सेम होंगी, रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, यस, सो राइट, जैसा भी ओवेश ने फाइंड किया फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो वो आपको मिलेंगे वन, राइट, देन आई, आई स्क्वायर, दिस इज योर आई, आई स्क्वायर एंड आई क्यूब, तो सब आपके 90-90 डिग्री पे आ रहे हैं, राइट, ऑन द एक्सिस. Now, that is, these roots of unity or these roots are vertices of regular polygon inscribe in a unit circle with origin as its center. Is it clear? Yes. And one vertex is always 1, 0. And one vertex is always on 1, 0. Right. अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए देखो तो ये भी आपका एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, यहाँ अभी फोर्थ रूट के लिए, isn't it your regular polygon rhombus? Okay. Like this. This is your regular pentagon. Is it clear, everyone? So this was all about your nth roots of unity. Right. So today we learned about cube roots of unity and nth roots of unity. Okay. So आज Saturday है, कोई homework नहीं करना है, right? Just M7.3 already जो आपने finish किया है, वो M7.3 आपको submit कर देना है Google Classroom के assignment पे till Tuesday. तो उसके लिए भी आपके पास टाइम है, आप पहले कल के एग्जाम का पढ़ो, उसके बाद संडे थोड़ा रिलैक्स करके मंडे भी आप उसका होमवर्क करके सबमिट कर सकते हैं. ट्यूजडे क्लास शुरू होने से पहले 11 AM विल बी योर टाइम, ड्यू डेट एंड टाइम. एंड होमवर्क में ये जस्ट आपको M7.4 फॉर्मूला बुक में लिखना है 5 times. ओके, तो वो भी आप एग्जाम के बाद कर सकते हैं. ओके, वॉन्ट टू प्ले काहूट? काहूट खेलना है? हाँ, पूरा वीक मैंने आपको मना किया. ओके, यस, चलो ठीक है, बी रेडी. तो सानिया बोर हो गई है क्योंकि सानिया आज इंतजार करती रही, बट हुआ ही नहीं. ओके, हाँ करिश्मा, आपके पास टाइम है M6 कंप्लीट करने के लिए, राइट? M6 आपका कितना बाकी है उतना आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं. ओके, अभी भी उसमें डाउट बचे तो 6.2 से. ओके, तो रिकॉर्डिंग से देखो, राइट, आज का दिन है अच्छे से. सो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने कोई काउट खेला है? राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक ही काउट है, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट. ओके, तो खेलें, शैल वी, कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो 10 क्वेश्चन है, मजा आएगा. ओके, और इस बार हम पूरा डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे. ओके, क्वाड्रेटिक पे खेलना है, यू वांट टू प्ले ऑन क्वाड्रेटिक? कल क्वाड्रेटिक का एग्जाम है. ओके, तो वेट, मुझे क्वाड्रेटिक का ढूंढने दो. ओके, चलो ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का करते हैं. वेट, क्वाड्रेटिक के हमने कितने खेले थे? राइट, जीरो. क्वाड्रेटिक का भी नहीं खेला है कोई? ओके, तो क्वाड्रेटिक के 3 है और तीनों में 20-20 क्वेश्चन है. जैकपॉट लग गया आपका.
सो एक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक है इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट्स, आई थिंक वो ले लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट्स। ओके 20 क्वेश्चंस हैं। ओके गुड, वो आपका लास्ट वाला टॉपिक होगा तो अच्छे होंगे, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड कॉमन रूट्स। सो एवरीवन रेडी फॉर दिस गेम? ओके श्योर। सो दिस इज योर काहूट स्क्रीन, कैन यू सी दिस काहूट स्क्रीन? ओके चलो बी रेडी विथ योर काहूट टैब। दिस इज योर पिन, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? 365630। और आज पॉडियम, पॉडियम में टॉप 5 देखने के बाद हम पूरा रिपोर्ट देखेंगे कि कितने कौन से स्टूडेंट ने कितना आंसर किया, सारी चीजें दिखेंगी। ओके सो अच्छे से खेलो। ओवेश, प्रांजल, अभिराम, आर्यन, ओके साम्या, जयशरण, मीत, आर्यन, अभिराम, प्रांजल, श्रीहरि, स्नेहा, श्रीहरि दो है क्या? नहीं है क्या? सिद्धार्थ, ओवेश, हु इज दिस 356630? चेंज योर नेम और आई विल डिलीट यू फ्रॉम हियर। सानिया, करिश्मा, रौनक, अक्षय, प्रद्युमन, ओके 356630 प्लीज चेंज योर नेम और आई विल डिलीट यू फ्रॉम हियर। ओके आई विल वेट फॉर 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट। बट आई लॉक द गेम फर्स्ट देन आई विल स्टार्ट। और कौन कौन ज्वाइन करने बाकी हैं? सब आ गए? ओके अनिशा, स्मृति, कृष्णा, जितेंद्र, एवरीवन हियर? सुलिका, अटेंडेंस, राइट? तब तक मैं आपके अटेंडेंस भी ले लेता हूं। और आपका असाइनमेंट भी यहाँ पे कर दूंगा। प्रद्युमन आप तो ऑलरेडी हो ना यहाँ पे? ओके अनका इज हियर, ये रहा प्रद्युमन, यू आर ऑलरेडी हियर। ओके प्रद्युमन इज टेलिंग, यस Pradyumna, I am waiting for you. Come. Now, who is absent today? I think 2 to 3 students absent hone chahiye. Anurag is absent. Mansi is absent. Okay. Anurag and Mansi, 2 students. Okay, shuru karein. 23 players are here. Pradyumna? प्रद्युम्न आ गया? प्रद्युम्न आर यू एबल टू ज्वाइन? नेट इज स्लो। ओके 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 नेट इश्यू, द ऐप इज टेकिंग टू मच टू ओपन। ओके ओके तो जो नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं ऐप में, आप चैट बॉक्स में यहाँ पे आंसर करना। ओके और यू कैन ओपन ऑन वेबसाइट ऑल्सो, play.kahoot.it। ओके आप डायरेक्ट वहां से भी खेल सकते हैं, play.kahoot.it। ओके प्रद्युम्न इज हियर। ओके सो लेट अस स्टार्ट अवर क्लास नाउ। Okay, I am taking your attendance before starting this game. Okay, so absent students are Anurag and Mansi. Only 2 students are absent. Aur ek hona chahiye. Amish, Amish is also absent, right? Right.
wait, wait. Yes, Amish is also not there. So, Anurag, Amish, Mansi is absent. Okay. Anurag, Amish. Okay. Rahil, okay. Okay, so Rahil, Anurag, Mansi and Amish. Okay. Thank you. Okay, so let us start our game. Okay. Okay, 20 questions, students. We'll do it quickly. Quadratic equation, sum and product and common roots. Okay, so let us start question number one. 20 slides hai, to is tarike se 10 honge. For what values of the sum of the roots of the equation is 0? For what values of a, a ki kaun si value ke liye iske sum of roots 0 ho jayenge? Right. So you have to answer here. Sum of roots iske 0 hone chahiye, that is your condition. The time starts now. 1, 2, 1, -2, -1, 2, -1, -2. I got answers from two students. Okay. बहुत सारा time दिया गया आपको, 2 minutes. Do it quickly. छोटा सा question है, तुरंत हो जाएगा. Obviously, मैं टाइमर के पहले ही एंड कर दूंगा. राइट, आपको 120 मिनट्स दिए, मैं आपको दूंगा 60 मिनट्स. सो डू इट क्विकली. राइट, नेक्स्ट और 15 मिनट्स दे रहा हूँ. तो ये जब आपका 45 पे हो जाएगा तब मैं क्लोज कर दूंगा. ओके, बिकॉज इजी क्वेश्चन है. राइट, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आंसर दे ही दिया. डू इट क्विकली, बस और 3 स्टूडेंट्स का आंसर बाकी है. लास्ट 3 सेकेंड्स. ओके, सो 1 एंड -2, राइट, जस्ट आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं. ओके, सो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, टू के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि आपको ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू हो जाए. नहीं, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू हो जाएगा कि माइनस करके ही आया, तो प्लस टू माइनस वन. ओके, और जब वो प्लस टू माइनस वन होगा वो आपके फैक्टर्स होंगे, तो रूट्स में कन्वर्ट करोगे तो 1 -2 हो जाएगा. सो लेट अस सी. सबसे पहले आंसर दिया है जितेंद्र ने, देन स्नेहा, then Ovesh, Aryan and Pranjal. Okay, is it open? Okay, next. The difference between the roots of the equation, right, x square minus 7x minus 9 equal to 0, this is your equation. Iske roots ka aapko difference nikalna hai. This is alpha minus beta. Socho. But again, 120 seconds, I will give you 60 seconds. Take pen and paper and find. Thank you.
ओके आई विल गिव यू लास्ट 5 सेकंड्स डू इट क्विकली 5 4 3 2 1 ओके सो रूट 85 राइट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा तो 7 स्क्वायर 49 माइनस 9 4 जा 36 ओके बट वो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा सो दिस इज योर आंसर 85 So now Uwais has answered first, then Aryan, Pranjal, Abhiram and Srihari. And Samarth is the highest climber. 7 places. Now next question. The HM means harmonic mean, but ye to maine aapko karaya nahi hai. To wo pehle main aapko bata dun. The harmonic mean of the roots of the equation x square minus 8x plus 4 equal to 0. Harmonic mean ke baare mein aapko pata hai? Okay. To uske liye main ek cheez aapko bata raha hun. Jaise aapka arithmetic mean hota hai, students. एरिथमेटिक मीन पता है ये अल्फा और बीटा हो गए दो नंबर सपोज ए बी ओके तो उनका एरिथमेटिक मीन हो गया उन दोनों के बीच का कॉमन नंबर मतलब मिड पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाई टू तो हार्मोनिक मीन इस तरीके से होता है आप मान लो कि आपके पास दो नंबर से अल्फा और बीटा तो जब उनके रेसिप्रोकल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा ये ए पी में होंगे तो आई कैन से अल्फा एंड बीटा आर इन एच पी इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता राइट सो अल्फा एंड बीटा आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट मींस 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अगर आपको उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का आपको एरिथमेटिक मीन फाइंड करना पड़ेगा फिर उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ओके उसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करके आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा जब सीक्वेंस एंड सीरीज देखेंगे तब ये पूरा डिटेल में देखेंगे अभी के लिए बस इतना करना है तो ये क्वेश्चन के लिए जो स्टूडेंट्स ये पहले करेगा that student will get answer. Is it clear? वापस दिखाऊं क्या? Okay. This is the case. ये आपको करना है. Okay. X square minus 8x plus 4 equal to 0. Next. So I'll give you 1 minute for this question. Harmonic mean find करना है. That is roots का reciprocal निकाल के उसका arithmetic mean find करो फिर वापस reciprocal. अरे निकाल के ready थे? तुरंत. I will give you 60 seconds for this question. 60 पे आएगा तब मैं skip कर दूंगा. So, your answer should be 1. Okay, 8 students ने correct answer दिया. So, क्या solve करके दिखाऊं यहाँ पे कि हो जाएगा? Right. Clear. Okay. So, इसके roots, right? आपको निकालना है 1 upon alpha और 1 upon beta. तो पहले इसके roots निकालने पड़ेंगे. X square minus 8x plus 4 equal to 0. हाँ, direct formula भी है. राइट बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता तो तुरंत हो जाता सो अगर आप x माइनस टू होल स्क्वायर कर रहे हो ना दिस इज नॉट योर केस चार के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 8 आए इज इट पॉसिबल टेल मी क्या चार के ऐसे फैक्टर्स पॉसिबल हैं ओके आप अगर काहूट पे आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इधर चैटबॉक्स में रिप्लाई कर दो ओके आई विल सी फ्रॉम हियर चलो तो इसके रूट्स आप कैसे निकालोगे टेल मी Discriminant. Okay. So what is your discriminant here? B square minus 4ac, 8 square is 64. Minus 4, a is 1 and c is 4. 64 minus 16 is what? Yes, Abhiram, that only. Chalo, 14 minus 6 will give you 8. 5 minus 1 will give you 4, 48. So your roots is minus b plus or minus 8. Plus or minus under root 48, 16 3 is 4 root 3 by 2a, 2.
इट इज योर 4 प्लस और माइनस 2 रूट 3, ये दोनों आपको रूट्स मिल गए। तो अल्फा और बीटा आप नाम दे सकते हो, अल्फा 4 प्लस 2 रूट 3 एंड बीटा 4 माइनस 2 रूट 3। अब जो मैं मेथड मैंने आपको बोली 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा करके, आपको उसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर रेसिप्रोकल करना है। तो अगर आप वो एरिथमेटिक मीन फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल करोगे राइट, तो वो एक्जैक्टली एरिथमेटिक मीन है आपका 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा बाई 2। सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो हो जाएगा आपका 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा। बस अब ये आपको यहाँ से करना है। तो इवन ये फाइंड करने की भी जरूरत नहीं, जस्ट ये वैल्यू रखो 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 4/1, अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई 8/1, सो यू विल गेट आंसर 1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हुआ एवरीवन? राइट, इजी। चलो नेक्स्ट। सो सबसे पहले आंसर दिया प्रांजल ने इस बार, देन ओवेश, अभिराम, अनिशा एंड श्रीहरि। ओके, टफ कंपटीशन। एंड 5 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने, जिनके पास अभी 3 आंसर ठीक है राइट, मतलब 3 आंसर उनके करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस देन वैल्यू ऑफ ए इंटू सी, राइट, सम ऑफ रूट्स इज हाफ ऑफ द डिफरेंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी इक्वल टू 0। I will give you 60 seconds. Wait. 60 second पे मैं skip कर दूंगा। Sum of roots is half of the difference. Last 10 seconds. Okay, I'll give you 3 seconds more. Okay. So minus 12. अब ये कराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ना? Sum of the roots is half the difference, then value of a into c. Okay. हो जाएगा? Tell me. तो अभी अगेन प्रांजल, देन आर्यन, ओवेश, अभिराम एंड अनिशा। ओके, एंड कृष्णा इज द हाईएस्ट क्लाइंबर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन पी इज इक्वल टू व्हाट। एक रूट आपके दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो पी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? व्हाट कैन यू से अबाउट पी? Last 10 seconds, do it quickly. I'll give you 5 seconds more. Okay. So 125 and minus 216, right? Ab jab yahan pe alpha plus alpha square equal to 30 loge, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 30 करके आप वहां पे अल्फा निकाल सकते हो, तो वो आपको मिलेगा 5 एंड माइनस 6, क्योंकि रूट्स आपको मिलेंगे 6 एंड माइनस 5, सो सॉरी 6 एंड माइनस 5 आपको फैक्टर्स मिलेंगे, तो रूट्स आपको मिलेंगे माइनस 6 एंड 5, तो माइनस 6 एंड 5 से पी आपका उनका क्यूब हो जाएगा। सो नाउ आर्यन ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर ओवेश, प्रांजल, अभिराम एंड श्रीहरि। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो का एक रूट कॉमन है, तो आप क्या बोल सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो का एक रूट कॉमन है, तो ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए माइनस बी इक्वल टू वन, ए माइनस बी प्लस वन इक्वल टू जीरो। टेक 60 सेकंड्स। लास्ट 4 सेकंड्स। ओके सर, आंसर शुड बी ए माइनस बी इक्वल टू वन। बोलो कैसे किया? राइट, एक रूट आपका कॉमन है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू जीरो, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इक्वल टू जीरो करके पहले ट्राई किया, तो अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो अगर सेकंड माइनस वन कर रहे हो तो बी प्लस ए अल्फा प्लस माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो अल्फा आपको मिल जाएगा वन, एक रूट आपको मिल जाएगा वन, तो वो रखोगे तो आपको मिलेगा बी माइनस ए इक्वल टू जीरो, जो ऑप्शन नहीं है दोनों में ये मिल रहा है बी माइनस ए इक्वल टू जीरो। ओके, अगर फिर उसके बाद नहीं, वेट, कोई मिस्टेक हुई? ए माइनस बी इक्वल टू वन, कोई मिस्टेक हुई क्या यहाँ पे? वेट, ए इक्वल टू बी मिला आपको? जय शरण गॉट ए इक्वल टू बी सर, रूट बी गेट प्लस वन, रूट बी गेट प्लस वन। वेट, अगर मैं इनको डायरेक्टली ओके सब्ट्रैक्ट करना है, सो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर जीरो, बी अल्फा प्लस ए अल्फा, बी प्लस ए अल्फा, राइट, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो अल्फा आपको मिलेगा ए प्लस बी बाई ए प्लस बी वन, एक कॉमन रूट तो आपको वन मिल जाएगा, आया ना? राइट, तो अगर मैं वन यहाँ पे रख रहा हूँ तो वन, हाँ वन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, यस, और यहाँ हाँ वो मैंने ओवरऑली जीरो कर दिया, वन प्लस बी माइनस ए, तो इसमें से जो भी आपका आंसर है, राइट, ये वन, तो ए, ये वन आप इधर रहने दो, राइट, तो वन माइनस ए प्लस बी, वन माइनस ए प्लस बी, यस, बोथ आर सेम ओनली, सो योर ऑप्शन सी। सो नाउ 6 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, उसमें सबसे पहले उवेश, देन प्रांजल, अभिराम, आर्यन एंड कृष्णा, एंड अनघा इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, सो वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डू इट क्विकली। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2 इक्वल टू जीरो हैज वन रूट कॉमन, देन a इक्वल टू, एक रूट आपका कॉमन है तो a क्या होगा? अब ये तो आसानी से कर सकते हो, सिर्फ एक ही अननोन है। आई विल गिव यू 60 सेकंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट 10 सेकंड स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी करो, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। लास्ट 5 सेकंड दे रहा हूं, माउस इज नॉट वर्किंग।
जीरो एंड -24 राइट, ये आसान है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इस बार आंसर दिया आई थिंक सेम सीक्वेंस, ओवेश प्रांजल अभिराम आर्यन एंड कृष्णा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ये दिख नहीं रहा होगा, वेट लेट मी जूम दिस, जूम करने पे भी क्वेश्चन तो सो जूम करने से सारी स्क्रीन जूम हो रही है, बट क्वेश्चन वैसा का वैसा ही। अच्छा तो ओ देखो, सो द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हैव टू रूट्स इन कॉमन, देन ए प्लस बी इक्वल टू, दैट इसके टू रूट्स कॉमन है तो ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट। ओके ये इवन ये क्वेश्चन शायद आपको वापस यहाँ पे होगा टाइप। ओके नहीं है, क्वेश्चन टाइप लिखा सबने, इतना जल्दी आंसर भी दे रहे हो, क्वेश्चन आपने देखा था। ओके सानिया, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। ओके वेट, सो लेट अस स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि ऐसा बैक नहीं जा सकते शायद। तो स्किप करो इसे क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, घर से ट्राई करना। ओके सानिया आप साइट से खेलना नेक्स्ट टाइम। ओके नेक्स्ट टाइम साइट से खेलना, play.kahoot.it। ओके सो स्कोर्स विल बी एज इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉमन, देन देयर अदर रूट्स आर, अगर एक रूट कॉमन है तो बाकी के रूट्स कौन से होंगे, ये जो हमने टीपीपी वाला क्वेश्चन किया शायद, मतलब ऐसा है पी एक्स प्लस क्यू आर और वैसा ए बी बी ए बी सी सी ए। ओके एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू जीरो, इजी क्वेश्चन है। I'll give you 60 seconds, not more than that. Last 12 seconds. B and A respectively. Okay. Next. So, यहाँ पे सबसे पहले आंसर दिया ओवेश देन अभिराम प्रांजल एंड आर्यन, ओके देन कृष्णा, बाकी सेम सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two equations x square minus ax plus b equal to 0 and x square minus ax plus b equal to 0 has one common root and the second has equal roots, agar matlab one common root hai aur second ke equal roots hai, matlab wahi root do bar ho jayega, then 2 times b plus d equal to blank, 2 times b plus d aapka kya ho jayega, this is your last question, so I'll give you 60 seconds. Last 15 seconds. If you want more, I can give you. Right, only 14 answers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last question hai. Take 10 seconds more. Three, two, one. So A and C. Right, A into C.
दिस शुड बी योर आंसर. आपका क्लास है? ओके, सो ऑन फर्स्ट वी आर हैविंग उवेश, सेकंड अभिराम, थर्ड प्रांजल, फोर्थ आर्यन एंड फिफ्थ श्रीहरि. ओके, सो ओके गुड एवरीवन. सो दिस इज इट, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई फाइनली काउट खेलने की. ओके हाँ, तो ये दिखा रहा हूँ ना, सही है क्विकली. तो आप देख सकते हैं, तो पहले उवेश हैं राइट विद 60%, मतलब 10 क्वेश्चन थे तो 6 क्वेश्चंस करेक्ट आंसर. देन अभिराम, प्रांजल, आर्यन, पूरा स्कोर और यहाँ पे है. ओके, अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. देन तो उवेश ने 4 अनआंसर किए थे, तो राइट. देन ऑन 6 वी आर हैविंग कृष्णा, ऑन 7 स्नेहा, 8 मीत, 9 सिद्धार्थ, 10 अनिशा, देन रौनक, समर्थ, अनगा, जितेंद्र, प्रद्युम्न, रिया, प्रद्युमन, कृष्णा, जयशरण एंड अक्षया. ओके, आफ्टर दैट साइंस स्मृति, चुलिका, सानिया एंड सान्या. जो सान्या ने, चुलिका ने गेम खेलना छोड़ दिया था राइट ड्यू टू नेट इश्यूज. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास राइट. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन वंस अगेन. ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास ट्यूजडे. बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोस एग्जाम. ओके, बाय एवरीवन.